हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपके लिए सारे क्लासिकल डांसेस, उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो, और साथ में जो भी फ्रेंड्स उनसे रिलेटेड फेमस एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, जो भी फेमस कलाकार होते हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो पूरा जो डिटेल में वीडियो है आपके लिए, एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले क्लासिकल डांसेस के बारे में समझते हैं कि क्लासिकल डांसेस हैं क्या। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो जो इंडियन डांस फॉर्म है ना, इंडियन डांस फॉर्म, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है क्लासिकल डांस फॉर्म और एक होता है फोक डांस। ठीक है, तो ये दो टाइप ऑफ डांसेस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं इंडियन डांस में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल डांसेस के बारे में। फोक डांस का भी वीडियो आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे चैनल में अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्लासिकल डांस हमारे कल्चरल हेरिटेज का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और साथ में हर एक क्लासिकल डांस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर रीजन के कल्चर को। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे अब बताया, जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम है ना, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु से, तो ये उस पर्टिकुलर रीजन यानी कि तमिलनाडु का कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से बाकी जो भी क्लासिकल डांसेस हैं वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। फाउंडर ऑफ क्लासिकल डांस अगर आपसे पूछा जाए तो ये हैं सेंट श्रीमंत शंकर दे। ठीक है, इन्होंने क्लासिकल डांस को यहाँ पे स्थापना की है, इसके ये संस्थापक हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस इज डिफरेंट फ्रॉम फोक डांस बिकॉज क्लासिकल डांस स्ट्रिक्टली फॉलोज द रूल ऑफ नाट्य शास्त्र एंड डांस इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स। तो जैसे मैंने आपको भी बताया है कि जो इंडियन डांस है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, क्लासिकल डांस और फोक डांस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जो क्लासिकल डांस फॉर्म है ना, ये नाट्य शास्त्र के रूल्स को फॉलो करता है और उसके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जिस तरीके से उसको परफॉर्म किया जाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिकल डांस और फोक डांस दोनों से डिफरेंट हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संगीत नाटक अकेडमी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा कितने क्लासिकल डांसेज हैं इंडिया के, 8 क्लासिकल डांस हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री हैज़ एडेड छाऊ टू द लिस्ट ऑफ 8 क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया। तो हाल ही में, पहले 7 थे, अभी यहाँ पे हाल ही में छाऊ को जो है ऐड कर दिया गया है इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांसेस, और ये बन गया है 8th क्लासिकल डांस ऑफ हमारा इंडिया। अब बात आई है संगीत नाटक अकेडमी की, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, और इसको स्टैब्लिश किया गया था है ना, इसकी स्थापना 1953 में हुई है। अब बात करते हैं सारे क्लासिकल डांसेस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं हमारे इंडिया की। पहला आता है भरतनाट्यम, अभी मैंने आपको बताया कि ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। सेकेंड बात की जाए तो कथकली, ये केरला से है। केरला से एक और है, तो देख लीजिए वो क्या है, ये है मोहिनीअट्टम, जो कि केरला में परफॉर्म किया जाता है। कथक की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। मणिपुरी मणिपुर, या आप इजिली बता सकते हैं। उड़ीसी उड़ीसा, ये भी आप बता सकते हैं। सत्रिया जो है ये असम का क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम इस वीडियो में इन सारे को है ना, इन सारे क्लासिकल डांसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, हर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। और फिर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे फेमस जो भी कलाकार है ना, एक्सपोनेंट्स, उनके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले भरतनाट्यम के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, अभी आपने देखा 8 क्लासिकल डांस है हमारे इंडिया के, इनमें से सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है, तो ये है भरतनाट्यम। ठीक है, और ये क्लासिकल डांस कहाँ का है? ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। बात करें इसके बारे में, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया कि भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। ठीक है, इजी क्वेश्चन, तमिलनाडु का ये क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीन शैली कौन सी, अगर आपसे पूछा जाए तो ये भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासिकल डांस इज कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ अदर क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्यों की जननी इनमें से किसे माना जाता है? ये भरतनाट्यम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन हिंदू टेम्पल ऑफ तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड वॉज डेवलप्ड बाई द देवदासीज। तो देखिए, कौन सा क्लासिकल डांस इनमें से तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में
ओरिजिनेट हुआ है और इसको देवदासियों के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, डेवलप किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, भरतनाट्यम। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आगे भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अगला, विच क्लासिकल डांस इज सोलो डांस परफॉर्म्ड मेनली बाय वुमेन। तो देखिए सोलो डांस होता है ये, तो राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्लासिकल डांस विच इज बिलीव टू हैव बीन रिवील्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू अ फेमस सेज भारता हु देन कोडिफाइड दिस सीक्रेट डांस इन संस्कृत टेक्स्ट कॉल्ड नाट्य शास्त्र। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को प्रकट किया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में इंक्लूड किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सादिर इज द एंशियंट नेम ऑफ विच डांस स्टाइल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सादिर ये किस डांस फॉर्म का एंशियंट नाम है, पुराना नाम है, तो ये भरतनाट्यम का पुराना नाम है। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं यहाँ पे हम भरतनाट्यम के आर्टिस्ट एक्सपोनेंट्स के बारे में, फेमस पर्सनैलिटी जो भी भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। तो वुमेन भरतनाट्यम आर्टिस्ट की बात की जाए तो ये है पहले यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति, काफ़ी सारे एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जाते हैं। नेक्स्ट है मालविका सरकार, नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होती हैं इनका क्वेश्चन नाम। नेक्स्ट है मीनाक्षी सुंदराम पिल्लाई, नेक्स्ट है बालदास सरस्वती, इनका भी नाम काफ़ी बार रिपीट होता है। रुक्मणी देवी अरुंदले, अरलाम वैली, ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला और लीला सैमसन। ठीक है, तो ये सारे फेमस वुमेन भरतनाट्यम आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स मेल भरतनाट्यम आर्टिस्ट की, तो रेवंत साराभाई, सीवी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्णा और विजय माधवन, ये सारे मेल भरतनाट्यम आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स भरतनाट्यम से सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड कर दिया। सारे आर्टिस्ट हमने डिस्कस कर लिए, है ना, फेमस आर्टिस्ट हमने डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ये कहाँ से एसोसिएटेड है ये भी हमने इसके बारे में जाना। तो यहाँ पे भरतनाट्यम से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया है। चलिए अगला डांस फॉर्म यहाँ पे है कथकली। ठीक है, कथकली कहाँ से बिलोंग करता है, ये केरला से बिलोंग करता है। कथकली का मतलब क्या होता है, डांस ड्रामा। ठीक है, तो जो वर्ड है कथकली, इसमें दो वर्ड से ये बना है, कथा और कली। कथा का मन होता है फ्रेंड्स यहाँ पे मीनिंग होता है स्टोरी, और कली का मीनिंग होता है परफॉर्मेंस एंड आर्ट, तो इससे इसका मीनिंग बनता है डांस ड्रामा। बात करें कथकली डांस क्या बताता है, इसमें फ्रेंड्स डिपिक्ट किया जाता है महाभारत रामायण और पुराणास को। ठीक है, तो इससे जो है इनकी स्टोरीज को पोर्ट्रे किया जाता है डांस फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए कथकली डांस सिंबलाइजेस द फाइट बिटवीन गॉड एंड डेमन। तो ये जो नृत्य शैली है ये ईश्वर और दैत्य के बीच लड़ाई का प्रतीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, विच क्लासिकल डांस इज रिलेटेड टू केरला, पूछा जाए तो कथकली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर रिवाइव्ड विच क्लासिकल डांस एंड मेड इट पॉपुलर इन बंगाल बिसाइड्स केरला। तो देखिए केरला के अलावा बंगाल में इसे पॉपुलर किया गया है बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इसका राइट आंसर है कथकली। नेक्स्ट, किस डांस फॉर्म में जो है मास्क का यूज़ किया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कथकली में ये यूज़ किया जाता है। अब बात करें फेमस एक्सपोनेंट्स के बारे में, यहाँ फेमस जो भी आर्टिस्ट एसोसिएटेड हैं इससे, तो देखिए कोटाक्कल शिवरामन, कालमंडलम केसवन नंबूदुरी, नेक्स्ट है कालमंडलम रामनकुट्टी नायर, कालमंडलम वासु पिशारोडी, नेक्स्ट है कावलुत चथनुनी पनिकर, कनका रेले। ठीक है, कनका रेले अब काफ़ी फेमस है, एग्जाम्स में देखा जाता है इनका नाम। नेक्स्ट है गुरु गोपाल शंकर, नेक्स्ट है गोपीनाथ, रागिनी देवी, उदय शंकर, रुक्मणी देवी अरुंदले, कृष्णा कुट्टी और नेक्स्ट है माधवन आनंद और शिवरामन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रुक्मणी देवी अरुंदले है ना, इनका नाम आपने यहाँ भरतनाट्यम में भी देखा था और यहाँ पे भी इनका नाम है, तो ये दोनों डांस फॉर्म से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डांस फॉर्म आता है फ्रेंड्स कथक। कथक के बारे में बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहले आपको डिटेल में समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, अगर आप ये अच्छे से देख लेते हैं तो एमसीक्यूज आप खुद से ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कथक ये फेमस क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का। कथक का मतलब क्या होता है, ये आया है वर्ड कथा से, इसका मीनिंग क्या होता है, स्टोरी होता है। और कथक क्या होता है, इसका मीनिंग टू परफॉर्म अ स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ डांस, तो एक पर्टिकुलर स्टोरी को डांस के फॉर्म में प्रेजेंट करना, इसका मीनिंग है कथक का। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लासिकल डांस कथक ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो ये उत्तर प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इन द एरा ऑफ मुस्लिम रूलर्स विच डांस वॉज वेरी फेमस एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड
दरबार डांस, तो मुस्लिम रूलर्स के टाइम पे ये काफी फेमस हुआ और इसे दरबार डांस भी कहा जाता है। ये कौन सा है? कथक है। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना आर थ्री मेन घराना ऑफ विच डांस स्टाइल। तो ये तीनों जो घराने हैं ये कथक से एसोसिएटेड हैं। अब बात करें कथक आर्टिस्ट के बारे में, तो देखिए बिरजू महाराज वेरी इंपॉर्टेंट, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर देवी लाल, शोभना रायन नारायण, है ना, पुरु दादिच। नेक्स्ट है गोपी कृष्ण, मालविका साजर, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अदकर। तो ये कुछ फेमस यहाँ पे एक्सपोनेंट्स हैं फ्रॉम कथक। ओके, जो मैं आपके लिए स्टार कर रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट डांस फॉर्म है फ्रेंड्स यहाँ पे कुचिपुड़ी, है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस फॉर्म है? ये आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है और ये फेमस है थ्रू आउट साउथ इंडिया। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इनको क्रेडिट किया जाता है कि कुचिपुड़ी को पॉपुलर करने के लिए, ठीक है, नाम याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण शास्त्री। देर इज स्पेशलिटी ऑफ कुचिपुड़ी डांस कॉल्ड तारगमम, ठीक है, तारगमम इसमें फेमस है, इन विच द डांसर डांसेज वाइल स्टैंडिंग ऑन अ ब्रास प्लेट। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए तारगमम में क्या होता है कि जो डांसर होते हैं वो ब्रास के प्लेट पे, ठीक है, यानी कि जो कांसे का जो थाली होता है उसके ऊपर स्टैंड करके डांस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बात करें प्रीवियस ईयर में पूछे गए एक्सपोनेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्ना सुंदरी, राजा एंड राधा रेड्डी, काफ़ी बार एग्जाम में देखा जाता है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, जो रेड्डी नाम आएंगे ना ये कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड है, ठीक है। इंद्रानी रहमान, शोभा नायडू, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार, मिथिला कुमार और दंतमंजन सत्यम। तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट आर्टिस्ट ऑफ कुचिपुड़ी। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट डांस फॉर्म है यहाँ पे मोहिनी अट्टम डांस और ये है फेमस क्लासिकल डांस केरला का। द वर्ड मोहिनी अट्टम इज डिराइव फ्रॉम मोहिनी, ठीक है, इसको मोहिनी से डिराइव किया गया है। तो हिंदी जो माइथोलॉजी है, इंडियन माइथोलॉजी, इसके हिसाब से मोहिनी इज अ फेमस इंकारनेशन ऑफ हिंदू डाइटी लॉर्ड विष्णु, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं ना उसके हिसाब से मोहिनी हिंदू देवताओं की, भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध अवतार है। मोहिनीअट्टम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की जाए तो देखिए ये किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? केरला का क्लासिकल डांस है। किस हिंदू गॉड से रिलेटेड है? तो ये गॉड विष्णु से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर साड़ी डेकोरेटेड विद ब्राइट गोल्डन बॉर्डर्स इज वॉर्न बाई मोहिनीअट्टम डांसर्स? तो यहाँ पे वाइट और लाइट वाइट कलर की साड़ी को पहना जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस ऑफ मोहिनी अट्टम डांस? तो मोहिनी अट्टम परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे मुख्य रूप से यूज किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है इडक्का। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर सुनंदा नायर बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू अपटेन अ मास्टर्स डिग्री इन मोहिनी अट्टम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सबसे पहली वुमेन जिन्हें मोहिनी अट्टम में मास्टर्स डिग्री दिया गया है ये है डॉक्टर सुनंदा नायर। ये फर्स्ट वुमेन है इंडिया से जिन्होंने ये हासिल किया। अगला रहेगा मोहिनी अट्टम आर्टिस्ट के बारे में बात की जाए तो देखिए स्मिता राजन, कालमंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, हेमा मालिनी, नेक्स्ट है भारती शिवाजी, कनक रेले, इंपॉर्टेंट है सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका, रेमा श्रीकांत, नेक्स्ट है पल्लवी कृष्णन, लाइन अवीन और शिवनीली, और नेक्स्ट बात की जाए तो कलामंडलम हिम्याती, नेक्स्ट है राधा दत्तपति और नेक्स्ट है राधा दत्तपति, यही सेम नाम रिपीट हो गया है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे फेमस मोहिनी अट्टम आर्टिस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे डांस फॉर्म है उड़ीसी डांस, तो ये फेमस डांस फॉर्म है कहाँ का? ईस्टर्न स्टेट उड़ीसा का। फ्रेंड्स उड़ीसी डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डांस ऑफ देवदासीज हु यूज टू डांस इन द हिंदू टेम्पल ऑफ उड़ीसा, ठीक है, तो ये देवदासियों से ओरिजिनेट हुआ है। फेमस उड़ीसी आर्टिस्ट की बात की जाए यहाँ पे तो ये है देखिए संजुक्ता पनिगरी ही, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह, इनके बारे में काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में, झेलम परांजापे, माधवी मुद्गल, नेक्स्ट है केलुचरण मोहपात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, माधवी मुद्गल, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत और नेक्स्ट है प्रियम वेदा मोहंती। तो ये हैं सारे उड़ीसी डांस के एक्सपोनेंट्स। अगला डांस फॉर्म है फ्रेंड्स यहाँ पे मणिपुरी। मणिपुरी की बात की जाए तो देखिए मणिपुरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर का क्लासिकल डांस है और इसको परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग लाय हरोबा फेस्टिवल, ठीक है, याद रखिएगा किस फेस्टिवल में? लाय हरोबा फेस्टिवल में इसको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। फेमस मणिपुरी डांसर्स यानी कि आर्टिस्ट की बात की जाए तो देखिए हंजाबा गुरु बिपिन सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु चंद्रकांता सिंघा,
नेक्स्ट है नारायणचार्य, गुरु नीलम माधव मुखर्जी, गुरु हरिचरण सिंह, विभूति देवी, कालाबती देवी, गुरु अमाली सिंह, अंबत सिंह, झावरी बहन, ठीक है, झावरी सिस्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीता देवी और गोपाल सिंह। तो ये सारे फेमस मणिपुरी आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट डांस फॉर्म और लास्ट डांस फॉर्म है सत्रिया डांस। ये असम का डांस फॉर्म है फ्रेंड्स, और इसके फाउंडर कहे जाते हैं श्रीमंत शंकर देव। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई महापुरुषा शंकर देव इन 15th सेंचुरी एज अ पावरफुल मीडियम फॉर प्रोपगेटिंग वैष्णव फेथ, ठीक है, तो यहाँ पे वैष्णव फेथ को बढ़ावा देने के लिए 15वीं सेंचुरी में महापुरुष शंकर देव ने कौन से क्लासिकल डांस को इंट्रोड्यूस किया था? तो इन्होंने सत्रिया को इंट्रोड्यूस किया था। फेमस सत्रिया एक्सपोनेंट्स की बात की जाए तो देखिए सुनील कोठारी, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे रंजू मोनी, नेक्स्ट है रिंजू मोनी साइकिया, उपासना महानता, रेखा तालुकदार, रूपरानी दास बोरा, अंजना मोई साईकांत, बॉबी चक्रवर्ती, मोनी राम दत्ता, मुख्तियार बारबिकर, बरिकेश्वर बारकिया, आनंद मोहन भागवती, गुरु इंदिरा, पीपी बोरा, लेट प्रदीप चलीहा और जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी काफ़ी फेमस है, ठीक है, मतलब इनका जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में काफ़ी बार देखा जाता है, मेरा मतलब ये है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए सारे डांस फॉर्म्स के बारे में, अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि हु वॉज द फर्स्ट फीमेल क्लासिकल डांसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी नॉमिनेटेड एज राज्यसभा मेंबर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो ये थी फ्रेंड्स रुक्मणी देवी अरुंधली। तो आपने इनका नाम दो जगह पे देखा होगा, बात करते हैं इनके बारे में। आप पिक्चर देख लीजिए, ये हैं रुक्मणी देवी अरुंधली। इनके बारे में बात की जाए फ्रेंड्स तो ये फेमस क्लासिकल डांस भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट अ क्लासिकल डांस। इनमें से कौन सा एक क्लासिकल डांस नहीं है? देखिए अभी हमने डिस्कस किया है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है ना, और मणिपुर जो है मणिपुर का क्लासिकल डांस है। बुरा कथा, ये क्लासिकल डांस नहीं है, ये एक फोक डांस है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस लोकेटेड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज द क्लासिकल डांस कॉल्ड सत्रिया परफॉर्म्ड। सत्रिया कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? तो फ्रेंड्स सत्रिया को परफॉर्म किया जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कहाँ पे? असम में, ठीक है। अभी अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया, पिक्चर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन में आपके लिए पिक्चर्स इंक्लूडेड हैं ताकि आप इसको इजीली और समझ सकें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो का क्वालिटी, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे और भी कंटेंट आपको हमारे चैनल में मिलते ही रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लीडिंग डांस एजुकेशनिस्ट एंड लीडिंग मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट। तो इनमें से मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट कौन है? तो ये हैं फ्रेंड्स डॉक्टर कनक रेले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइन डांस। तो इनमें से कौन सा एक देव नृत्य है? तो फ्रेंड्स ये हो जाता है कुचिपुड़ी। कहाँ का ये डांस है? तो ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कथकली कहाँ से है? ये केरला से है। मोहिनीअट्टम भी केरला से है। भांगड़ा जो है ये एक फोक डांस है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नोन एज कथकली ऑफ पुअर। तो इनमें से कथकली ऑफ पुअर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ओटन थुल्लान को। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू देवदासी ट्रेडिशन। देवदासी ट्रेडिशन से इनमें से कौन सा नृत्य संबंधित है? मोहिनीअट्टम संबंधित है। नेक्स्ट, मास्क डांस इज रिलेटेड टू विच डांस स्टाइल। तो मास्क का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स कथकली में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला, सोनल मानसिंह इज रिलेटेड टू विच डांस। सोनल मानसिंह फ्रेंड्स ये एसोसिएटेड हैं भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस से। सुटेबल ए एंड बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, शोभना नारायण इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस स्टाइल। तो फ्रेंड्स शोभना नारायण जो है ना ये एसोसिएटेड हैं कथक से। इनके बारे में हमने जब एक्सपोनेंट्स की बात की थी मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिंबावती देवी इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ डांस। तो बिंबावती देवी फ्रेंड्स ये एसोसिएटेड है मणिपुरी क्लासिकल डांस से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इस्लामिक कल्चर। तो हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स ये मुस्लिम एरा में काफ़ी फेमस डांस हुआ करता था और इसको हम दरबार डांस के नाम से भी जानते थे, ये है कथक। अगला क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस ऑफ विच क्लासिकल डांस स्टार्ट्स विथ केलिको टू विच अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ ऑडियंस।
देखिए, किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन केलिकोटू से शुरू होता है जो दर्शकों को ध्यान आकर्षित करता है? तो फ्रेंड्स ये है, फ्रेंड्स हो जाएगा इसका राइट आंसर कथकली। कथकली जो है स्टार्ट होता है विद केलिकोटू। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, बिरजू महाराज इज फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच फील्ड? तो फ्रेंड्स ये कथक डांस के फेमस एक्सपोनेंट हैं। आगे बढ़ेंगे, हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस आर देयर इन इंडिया? तो फ्रेंड्स टोटल इंडिया में क्लासिकल डांसेस के नंबर हैं 8। तो सारे 8 हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, 8 क्लासिकल डांसेस, और वो किस स्टेट से एसोसिएटेड हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड एंड परफेक्टेड इंडियाज क्लासिकल डांस फॉर्म सत्रिया? तो सत्रिया को किसने इन्वेंट किया है? तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि श्रीमंत शंकर देव ने इसको इन्वेंट किया है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाई मुगल ट्रेडिशन? तो मुगल ट्रेडिशन से इनमें से कौन सा इन्फ्लुएंस्ड है? तो कथक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेयर इज कथक डांस स्टाइल परफॉर्म्ड? तो फ्रेंड्स कथक डांस स्टाइल कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? इसको नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेजरली कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में इसको देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, झावेरी सिस्टर्स कौन कौन हैं? दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा आर रिलेटेड टू विच जॉनर ऑफ क्लासिकल डांस? तो झावेरी सिस्टर्स फ्रेंड्स ये एसोसिएटेड हैं मणिपुरी क्लासिकल डांस फॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मा सुब्रमण्यम इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? तो फ्रेंड्स ये एसोसिएटेड है भरतनाट्यम से। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, दमयंती जोशी इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? तो दमयंती जोशी फ्रेंड्स ये एसोसिएटेड है कथक से, राइट? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। देखिए ये इसका नाम है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ईयरली करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ क्वालिटी की पीडीएफ भी अवेलेबल की गई है जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बनाएगी, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रियंवदा मोहंती इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल जॉनर? तो फ्रेंड्स प्रियंवदा मोहंती ये एसोसिएटेड हैं उड़ीसी डांस फॉर्म से। अगला क्वेश्चन रहेगा, सितारा देवी इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? तो देखिए फ्रेंड्स अभी जब हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ एक्सपोनेंट्स डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया था कि अगर आप उन सबको अच्छे से पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो सितारा देवी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ये एसोसिएटेड हैं कथक से। अगला क्वेश्चन, भारती शिवाजी इज फेमस फॉर विच स्टाइल ऑफ डांस? फ्रेंड्स भारती शिवाजी ये एसोसिएटेड है मोहिनीअट्टम से। आगे बढ़ेंगे, रागिनी देवी इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस स्टाइल? तो रागिनी देवी एसोसिएटेड है मोहिनीअट्टम से। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, इंद्रानी रहमान इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म? फ्रेंड्स इंद्रानी रहमान ये एसोसिएटेड है उड़ीसी डांस फॉर्म से। अगला, मृणालिनी साराभाई इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म? तो ये भी मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसोसिएटेड है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट, अच्छन महाराज इज फ्रॉम विच रीजन? तो अच्छन महाराज ये आते हैं फ्रेंड्स डांस के फॉर्म से। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं? ये कथक डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट, लीला सैमसन इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस स्टाइल? तो ये एसोसिएटेड हैं भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति इज फेमस डांसर ऑफ विच क्लासिकल डांस? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति जी की, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से एसोसिएटेड हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कथक डांस स्टाइल? तो कथक से इनमें से कौन एसोसिएटेड है? तो कथक से यहाँ पे एसोसिएटेड है गोपी कृष्ण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन इंस्क्रिप्शन सेंटर ऑफ कथकली? राइट आंसर, इसके मुख्य प्रेरणा कौन है? ये है ग्रेट पोएट बलतोल। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट डांसर ऑफ कथक डांस? तो कथक के इनमें से फेमस डांसर, एक्सीलेंट डांसर है फ्रेंड्स बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है कि सविता मेहता इज क्लासिकल डांसर ऑफ विच डांस स्टाइल? तो फ्रेंड्स सविता मेहता ये एसोसिएटेड है मणिपुरी से। अगला क्वेश्चन, बाल सरस्वती इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? ये एसोसिएटेड है भरतनाट्यम डांस से। अगला क्वेश्चन, माधवी मुग्दल इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? फ्रेंड्स ये एसोसिएटेड है उड़ीसी क्लासिकल डांस से। आपका अगला क्वेश्चन, स्मिता राजन इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? तो ये एसोसिएटेड है मोहिनीअट्टम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी सुंदरमन पिल्लई इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ये एसोसिएटेड है भरतनाट्यम से।
आगे बढ़ेंगे रुक्मणी देवी अरुंदले इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। फ्रेंड्स, रुक्मणी देवी अरुंदले की बात की जाए तो ये भी भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एट द एज ऑफ 16 हु मेड भरतनाट्यम प्राउड बाय कॉलिंग गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कथक सामग्री। देखिए, मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भरतनाट्यम को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया था सितारा देवी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी अरुंदले वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड डांसर एंड डांस डायरेक्टर ऑफ विच डांस आर्ट। देखिए, इनके बारे में काफ़ी बार आप देख रहे होंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भरतनाट्यम। नेक्स्ट, उदय शंकर इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? ये एसोसिएटेड है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैजनाथ प्रसाद इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? फ्रेंड्स, बैजनाथ प्रसाद ये एसोसिएटेड हैं कथक से। आपका अगला क्वेश्चन, लच्छू महाराज इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? फ्रेंड्स, लच्छू महाराज की बात की जाए तो ये कथक से एसोसिएटेड हैं। आपका अगला क्वेश्चन, देखिए आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि कुछ कुछ ट्रिक्स हो सकते हैं, जैसे आप महाराज देख रहे हैं ना, तो मेजरली महाराज जहाँ पे नाम आता है ये कथक से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बहुत एक्सेप्शन बात बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जस्ट आपको याद रखने के लिए, रेड्डी जहाँ पे आता है तो आप ये देख सकते हैं कि ये रिलेटेड है किससे, ये कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड, कुचिपुड़ी से, ओके। इसके बाद बात की जाए, नायर आ रहा है ना, तो ऐसे अगर वर्ड्स आ रहे हैं तो आप इसको मोहिनीअट्टम या फिर कथकली से एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक है फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर नहीं पता होता तो आप इस तरीके से छोटे ट्रिक्स अप्लाई करके इनको आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, सोनल मानसिंह इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? तो सोनल मानसिंह ये एसोसिएटेड है उड़ीसी डांस से। अगला क्वेश्चन, हंजबा गुरु बिपिन सिंगा इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? फ्रेंड्स, ये एसोसिएटेड है मणिपुरी डांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज नोन एज द डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स? तो देखिए, इनमें से कौन से शास्त्रीय नृत्य को कहानीकारों की नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जाना जाता है इनमें से कथक को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया कंबाइन थ्री मेन एस्पेक्ट्स नेमली भावा रागा एंड। तो भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं ये तीन मुख्य पहलुओं को, जैसे भाव राग और किसको जोड़ते हैं, ये भाव राग और ताल को जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, इन विच इंडियन स्टेट डिड क्लासिकल डांस कथक ओरिजिनेट? तो कथक ओरिजिनेशन नॉर्थ इंडिया में हुआ है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम टेम्पल डांसर ऑफ तमिलनाडु? तो तमिलनाडु के टेम्पल से ये एसोसिएटेड है, ये है भरतनाट्यम, तो यहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। अगला रहेगा, और फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लीडिंग डांस एजुकेशनिस्ट एंड लीडिंग मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट? तो इनमें से कौन है जो मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट हैं? फ्रेंड्स, ये हैं मोहन राव कल्याणपुरकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दिए। इसके साथ हमने फेमस एक्सपोनेंट्स की बात करी है ना, सारे क्लासिकल डांसेस के बारे में बात कर लिया, और इसके साथ फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया कि ये किस स्टेट से ओरिजिनेट हो रहा है ना, और इसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से ये फुल डिटेल्ड वीडियो था आपके लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो इन दो टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि पद्मा सुब्रमण्यम इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? ये आप हमें बताएं कमेंट करके कि पद्मा सुब्रमण्यम ये किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि बिरजू महाराज इज फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच फील्ड? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम में देखा जाता है, बिरजू महाराज ये किस डांस फॉर्म के फेमस आर्टिस्ट हैं, ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये दो टेस्ट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड पीडीएफ के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है फ्रेंड्स www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती है ना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको पॉलिटी का जो पीडीएफ है 5000 प्लस
क्वेश्चंस के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मिल जाएगा। इसके साथ आपको यहाँ पे फ्रेंड्स करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स जो होता है ना, इसके लिए आपको यहाँ पे 2023 का PDF अवेलेबल किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं इनको बाय करना, तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस PDFs में आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ना, हर एक क्वेश्चंस को आपके लिए अच्छे से क्यूरेट किया गया है, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी बने। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट से जाके इन PDFs को बाय कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट।